बीजेपी में शमूलियत के बाद साबिक वजीर इटर राजेंद्र मंगल की दोपहर को खसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली से हैदराबाद वापस हुए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बीजेपी के हजारों कारकुन कोविड-19 कवायद को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर जमा थे, जो भारत माता की जय वगैरह के नारे लगा रहे थे। इटर राजेंद्र के हाथ पर इमाम जामिन भी बांधा देखा गया। रुकने पार्लियामेंट वी वेग के साथ वह खुली जीप कार में सवार हो गए और सैकड़ों कारों के काफिले के साथ शामीरपेट में अपनी रिहायशगाह के लिए रवाना हुए। पुलिस को एयरपोर्ट पर जमा हुजूम पर काबू पाने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। बीजेपी के दिगर कायदीन भी जो इटर राजेंद्र के साथ दिल्ली गए थे, हैदराबाद वापस हो गए। अब देखना होगा कि महमूद अली की पुलिस इटर राजेंद्र और बीजेपी के कारकुनों के खिलाफ कोविड-19 कवायद के खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा दायर करने की हिम्मत करेगी या नहीं। जीएचएमसी ने शहर के गुंजान इलाकों में 7 नए मोबाइल टॉयलेट्स कायम किए। इसके लिए गैर मुस्तमला आरटीसी बसों को इस्तेमाल किया गया है। मर्दों खवातीन के अलावा जनखों के लिए भी खसूसी टॉयलेट्स कायम किए गए। हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी ने खैरताबाद जोन को अलर्ट करदा टॉयलेट्स का इफ्तिताह किया, जबकि मजीद 30 ऐसे टॉयलेट्स शहरियों के लिए दस्तियाब करवाए जाएंगे। निकलस रोड पर ऐसे ही एक टॉयलेट का इफ्तिताह करते हुए विजयलक्ष्मी ने बताया कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए खवातीन के लिए खसूसी रूम भी बनाए जाएंगे। इस मौके पर जोनल कमिश्नर परवानिया और मेडिकल ऑफिसर बी नारायणा भी मौजूद थे। पुराने हैदराबाद में बढ़ते जरायम के मद्देनजर और अमन पसंद अवाम के इसरार पर साउथ जोन पुलिस ने एक बार फिर चबूतरा मिशन शुरू कर दिया है। पीर के रोज फलकनुमा पुलिस ने ऑपरेशन चबूतरा अंजाम दिया और रात में सोने के बजाय चबूतरों पर वक्त गुजारी और आवारा गर्दी में मुलविज नौजवानों को धर लिया और तीगल कुंटा में वाक़ नफा फंक्शन हॉल पहुँचा दिया। बाद हजार DCP गज्जर और भोपाल के जेर निगरानी उन नौजवानों के औलियाओं को तलब करके उनकी काउंसलिंग की गई और सबको रिहा कर दिया गया है। ऐसे लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन चालू है तेलंगाना स्टेट में। अभी लॉकडाउन का टाइम शाम 6 बजे तक बढ़ाई गई। हम देख सकते हैं कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ उस दिन से कोरोना का केसेस कम होते जा रहे हैं और पूरी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई अभी। लेकिन हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद मेन रोड्स को छोड़ के अंदर की गलियों में कई जगहों पे बच्चे बैठ रहे हैं और बैठ के बातकानी कर रहे हैं। कई जगह पे झगड़े भी हुए। इसको नज़र में रखते हुए अभी मिशन चबूतरा फिर से शुरू किए। पहले भी ये जब मिशन चबूतरा चल रहा था उस टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी भी ये फलकमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 70 बच्चों के लाके उनको पेरेंट्स को काउंसिल करके भेजे। इसका मकसद है, एक पहला कोरोना का फिर से फैलने से रोकेंगे और दूसरा है क्रिमिनल एक्टिविटीज से बच्चों को दूर रखना। बहुत से बच्चे, बहुत मासूम बच्चे हैं, उनका कोई पहले से कोई इंटेंशन नहीं हो रहा, लेकिन कई जगह पे झगड़ों में फंस गए, अपनी पूरी उसका करियर बर्बाद हो रहा है, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है और पेरेंट्स का और फैमिलीज़ का उस पर बहुत असर पड़ रहा है। इसलिए पहले ही बच्चों के लाके काउंसलिंग करके भेज रहे हैं और पेरेंट्स को भी भेज रहे हैं। जैसे हम पहले देखे इस प्रोग्राम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और इस बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उसकी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। थैंक यू।
चाइना लोन ऐप स्कैम में मुलविस फेक एसआई गिरफ्तार। खबर के मुताबिक अनिल कुमार नामी एक फेक एसआई जो जिला गुंटूर का बताया जाता है, साइबर क्राइम पुलिस के हाथों उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो मगरबी बंगाल में मुंजमित शुदा बैंक खातों को खुलवाने की कोशिश कर रहा था। ये कार्रवाई दिल्ली के बैंक अहदेदार की शिकायत पर की गई है। पुलिस ने जाली एसआई पर केस दर्ज करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया जाता है कि जालसाजों का एक गिरोह इस जुर्म में मुलविस है जिन्होंने साइबर क्राइम पुलिस के नकली लेटर पैड्स व मोहर बनवाकर दिल्ली व गुड़गांव में वाक़े आईसीआईसीआई बैंक्स की शाखाओं को मुंजमिद अकाउंट्स को दोबारा खुलवाने के लिए खत लिखा। शक की बिना पर बैंक अहदेदारों ने साइबर क्राइम पुलिस को इसकी इत्तला दी थी। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक वो ऐसे मजीद भगोड़ों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कार किराए पर लेकर हजम कर जाने पर 6 अफराद गिरफ्तार। आरसीपुरम पुलिस ने 400 BC के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक कलेदी मुलजिम आरसीपुरम का मुतवतीन 36 साला नरेश कुमार के बशमूल 6 अफराद हैदराबाद में कार महाना किराए पर लेकर फरोख्त करते हुए ट्रैवल एजेंसी को धोखा दे रहे थे और नाजायज तरीके से पैसे कमा रहे थे। ऐसा करते हुए मुलजमीन ने मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियों से 272 कार्स हासिल कर लिए और तकरीबन सभी कारों को फरोख्त भी कर दिया, जिनमें से 205 कारों के असली मालिकीन ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए वापस हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि 51 कारों को पुलिस ने रिकवर किया है। मजीद 13 कारों की तलाश है। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात कमिश्नर वीसी सज्जनार की जुबानी। ओका हैबिचुअल चीटिंग गैंग ने पटकोड़म जरिंदी मास्टर आरगुर ने अरेस्ट चेसी वाल दगर निंची दादापू 50 व्हीकल्स ने रिकवर चेडम जरिंदी। ओका व्हीकल्स वाला विलु सुमारु 4.3 crores 21st రోజు పోయిన నెల ఒక స్పెసిఫిక్ కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. పల్లే నరేష్ కుమార్ అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి ఈ కంప్లైంట్ దగ్గరే వచ్చి ఇట్లా నాకు రెంటెడ్ వెహికల్ కావాలి, లాంగ్ టర్మ్ కావాలి అని చెప్పి ఆయన దగ్గర నుంచి దాదాపు 11 వెహికల్స్ ని హైర్ చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత 2-3 నెలల ఆయనకు మంత్లీ రెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత రెంట్ గురించి అడిగితే ఆయన సరైన సమాధానం ఇవ్వలేదు, ఆయనను ఇగ్నోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత వెహికల్స్ కూడా అడిగితే వెహికల్స్ కూడా వాపస్ ఇవ్వలేదు. ఈ వచ్చిన స్పెసిఫిక్ కంప్లైంట్ ని తీసుకుని ఆర్సిపురం పోలీస్ ఒక క్రైమ్ ని రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. క్రైమ్ నంబర్ 330 ఆఫ్ 2020 అండర్ సెక్షన్ 420 406 కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. వస్తుందా? తర్వాత మన కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత మన డీసీపీ గారు, మన ఏసీపీ గారు, ఎస్హెచ్ఓ సంజయ్ కుమార్ నేతృత్వంలో టీంను ఫామ్ చేసి మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారము మొత్తం మనము 6 అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 50 వెహికల్స్ ని రికవర్ చేసి మొత్తం వాళ్ళ విలువ 4.39 crores. ముఖ్య అక్యూజ్డ్ A1 పల్లే నరేష్ కుమార్ యాదవ్ అలియాస్ నరేష్ యాదవ్ అలియాస్ నరేష్ అని చెప్పి, A2 బదావత్ రాజు నాయక్, A3 కలముల వికాస్, A4 గొల్ల గొల్లే భరత్ జోషి అలియాస్ భరత్,
A5 బానూరి ఇలక్షన్ రెడ్డి, A6 కల్లా నరసింహ గౌడ్, వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి ఒక ముఠాగా ఏర్పడి ఈ ఒక చీటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. డీటెయిల్స్ కెళ్తే పల్లె నరేష్ కుమార్ అలియాస్ నరేష్ యాదవ్ అలియాస్ నరేషు, ఈయన ఎస్ఎన్ కాలనీ ఆర్సిపురం నివాసి, ఈయన ఎంటెక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమేషన్ ఇంజనీరింగ్ పాస్ కావడం జరిగింది. सरकारी अराजकता को हर्राज करने हुकूमत के फैसले के खिलाफ सीपीआई के सैकड़ों कारकुनों ने परिशर्मा भवन बशीरबा के सामने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया. रियासती सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी, कौमी काउंसिल के रुकन और साबिक रुकन पार्लियामेंट अजीज पाशा, रियासती आमेला के रुकन वी एस बोस ने इस मुजाहरे की क्यादत की. उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने खजाने भरने के लिए सरकारी अराजियात का हर्राज कर रही है. हुकूमत का फैसला आवाम के मफाद में नहीं है. उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर सरकारी अराजियात को फरोख्त करने का अख्तियार नहीं रखते. हुकूमत को ऐसे आमराना फैसलों से बाज आ जाना चाहिए. आज से जो ना गवर्नमेंट जमीन कोका पेट या खाना मेट पे है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आज हम नीलाम करके करोड़ों रुपये हासिल करना चाह रहे हैं. शर्म की बात यह है कि जब से इसके ऊपर बैठे चीफ मिनिस्टर के ऊपर अभी तक एक गज जमीन गरीब को नहीं दी उन्होंने. खाली जो है ना डबल बेडरूम बनाते हैं उनको बोल दिए, मगर अभी डबल रूम बोल के कितने अक्टूबर 2015 में ऐलान करें, अभी तक हैदराबाद शहर में 1,00,000 लोगों को भी नहीं दिए, 50,000 को भी नहीं दिए. तो आखिर इतने साल होने के बावजूद भी तुम जो है ना 40% टारगेट पूरा नहीं करके अब जो है ना ये ज़मीन को जो है ना आप जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के थ्रू HMDA के थ्रू है ना बिल्कुल उसको नीलाम करके हुकूमत का खजाना जो खाली होते जा रहा बेकार स्कीमों पे उसको भरने के लिए कोशिश की जा रही है. हम उनको खबरदार करना चाहते हैं हैदराबाद में 2400 स्लम एरियाज में से कम 60% एरिया जो है ना गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर है. जब कभी कोई गरीब गवर्नमेंट ज़मीन पे कब्जा करता है तो गवर्नमेंट है ना खामोश बैठती. और मुझे मालूम है कि कई चीफ मिनिस्टर ब्रह्मानंद रेड्डी से लेके वेंगल राव से लेके और जो है ना विजय भास्कर रेड्डी से लेके वाईएस राजशेखर रेड्डी से लेके सब लोग 5,00,000 10,00,000 2,00,000 कुछ ना कुछ एकड़ ज़मीन जो है ना गरीबों के लिए रखे, मगर ये चीफ मिनिस्टर आने के बाद एक गज ज़मीन कोई गरीब के लिए नहीं रखा. सिर्फ यही कि मैं डबल बेडरूम बना तो उनको बोल दिया. तो हम ये गवर्नमेंट खबरदार करना चाहते हैं कि अगर ये आने वाले दिनों में, पहली बात तो ये है कि ये जो नीलम वगैरह कैंसिल करना और जो है ना ये जो है ना सबसे पहले गरीबों को देना जिनके सर पे छत नहीं है और किराए इतने बड़े हुए हैं कि बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो इस लिहाज से सबसे पहले ये गवर्नमेंट ज़मीन पे हक किसका है, तो गरीबों का है. तो गरीबों का हक पूरा करने के लिए मैं चीफ मिनिस्टर से ये करूँगा कि ये फौरी है नीलाम है ना इसको बर्खास्त करके पहले गरीबों को दे, उसके बाद सोचा जाएगा. राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर के लिए अराजी के उसूल में लूट खसूट के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए विश्व हिंदू परिषद की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन रागुलू ने बताया कि मुखालिफ हिंदू ताकतें राम जन्मभूमि तीर्थ केशरा और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय पर बेबुनियाद इल्जाम आयद कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस मसले को उछालने का मकसद राम मंदिर की तामीर में रुकावटें खड़ा करना है. अपने नाम थोड़ा आगे बढ़े इसलिए ऐसी विषय पर वो आ गए. अब उनके मन में क्या है पता नहीं, पहले से ये मंदिर वहाँ पर नहीं बना ऐसा 2-3 बार इनका वचन था. एक समय पर बोले ये बाबरी ढांचा वहीं पर रहना है, वैसा ही रहना है, ऐसा संजय ने कहा. दूसरी बार कहा यहाँ पर हॉस्पिटल हो स्कूल हो यहाँ पर मंदिर क्यों, ऐसा दूसरी बार भी कहा. और अपने लोग जब चेतावनी दिया तब उन्होंने क्षमा याचना किया छोड़ दिया, मगर इस बार क्षमा याचना करने लगे. लेकिन अभी उनके ऊपर क्या है करुण आश्रम क्या बोलते केस लगा रहे तो लगाकर ही उनको एकदम दबा ये ऐसा सोचा. यही विषय तो वर्तमान में भारत नहीं दुनिया में राम जन्मभूमि का वातावरण बन चुका है. ऐसी समय पर ये कोई ना कोई घोटाला माने बर्बाद कर रहे पैसा ऐसा बताने के लिए उनका विचार वास्तव में बिल्कुल एक पैसा का भी यहाँ पर बर्बाद नहीं. कंसीशन से वर्तमान समय का कंसीशन से हम लेते हैं यह वर्तमान स्थिति.
हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद के राजभवन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना से मुलाकात की। उन्होंने जस्टिस रमना को जलील खदर ओहदे पर मुकर्रर किए जाने पर मुबारकबाद दी। शिमला के राजभवन जराये ने बताया कि गवर्नर की मुलाकात खैर सुगाली थी। पुलिस ने गुजतमा बहादुरपुरे के रोडी शीटर 24 साल मोहम्मद एजाज के कत्ल के सिलसिले में मफरूर मुलजिम 35 साल मोहम्मद अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साजुन जी भोपाल ने मीडिया को बताया कि इस केस में मुलविस 4 मुलजमीन मोहम्मद अब्दुल रफीक, मोहम्मद अहमदुल्ला, मोहम्मद इनायतुल्ला, मुमताज अली खान और सैयद मोहम्मद हुसैन को पहले गिरफ्तार करके रिमांड करवा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि एजाज गुज़श्ता साल अब्दुल गफ्फार पर खातिराना हमले में मुलविस था और वह गफ्फार से समझौते के लिए इसरार कर रहा था। गफ्फार को डर था कि समझौता न करने पर एजाज उसका कत्ल कर देगा। चुनाचे उसने अपने 5 साथियों के हमरा एजाज का 20 मई को चिराग अली नगर किशनबाग में हमला करते हुए सफाया कर दिया। इंस्पेक्टर पुलिस बहादुरपुरा भिक्षम रेड्डी ने केस की तहकीकात की और ये गिरफ्तारी अमल में लाई। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स क्राइम नंबर 150/21 ये भी मर्डर केस था। इसमें जो कत्ल हुआ उसका नाम एजाज मोहम्मद एजाज का, वो बहादुरपुरा एरिया का रोडी शीटर है। इसमें जो आज गिरफ्तार हुआ उसका नाम अब्दुल गफ्फार है। अब्दुल गफ्फार इस केस में A2 पिछले साल जून में एजाज ने गफ्फार पर हमला किया और उस केस में 162/2020 307 जरिए केस बुक करके पूरी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होने के बाद अदालत में चार्जशीट डाले और उसका अभी ट्रायल चालू है। एजाज इस पर प्रेशर ला रहा है कि उस केस में गवाही उसके खिलाफ गवाही ना दें और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। लेकिन रोज़ उसके घर पे आके उसको सता रहे एजाज। उनको डर था कि कहीं ये उसको फिर से अटैक ना करे, इसलिए इनका पूरी फैमिली मेंबर्स मिलके गफ्फार उनके फादर A1 है रफीक और उनके गफ्फार के दोस्त और उसके उनके अदर रिलेटिव्स है अहमदुल्ला इनायतुल्ला, ये सारे लोग मिलके उस दिन भी एजाज उनके घर पे आके ऐसा ही हल्ला मचा रहा था कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए उस केस में। उस दिन जब वो आया था उस पर मिर्ची पाउडर और पानी मिला के उस पर फेंक के उसके आँख में फेंक के उसको चाकू से और लकड़ी से मारे और एक पत्थर से भी उनको सिर पर डालकर उसका कत्ल किया गया। उसी दिन उन पांचों का अरेस्ट हो गया। गफ्फार को कल गिरफ्तार किए। और ये सारे केसेस में हम देख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें एक्यूज का अरेस्ट हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन भी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, उनको चार्जशीट डाल रहे हैं और ट्रायल भी फॉलोअप कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन भी पूरी तरह से पक्का होने के लिए उनको रेगुलरली उनको फॉलोअप कर रहे हैं और ट्रायल भी हम अभी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि किसी गवाही पर कोई प्रेशर ना हो और जब वे कोर्ट में जाए अच्छी तरह से विदाउट एनी फियर और प्रेशर अपनी गवाही दी अदालत में और उसको पनिशमेंट मिले। और इसके बाद हम मिशन चबूतरा भी लास्ट वीक से स्टार्ट किए, पहले बाबा नगर कंचनबाग पीएस लिमिट्स में किए और कल रात को फरकनामा पीएस लिमिट्स में किए और रेगुलरली मिशन चबूतरा उसका भी चालू रखेंगे और रोडी शीटर्स पर नज़र रख रहे हैं, पूरे पीडी एक्ट भी डाल रहे हैं अगर रिपीटेड ऑफेंसेस करें तो, और उनका पेरेंट्स को भी और उसको फैमिली मेंबर्स को भी काउंसलिंग कर रहे हैं, यूथ को भी काउंसलिंग कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहे।
हुसैनीआलम पुलिस ने शालीबंडा में आशा टाकिस के पास 12 जून को 22 साला जुबेर अली उर्फ कचरा जुबेर के कत्ल में मुलविस 3 मुल्ज़मीन 23 साला सालम बिन अब्दुल्ला बा सलाम 19 साला मुजफ्फर अली खान और 19 साला तारिक अली को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ह है कि कचरा जुबेर की लाश शालीबंडे में ज़ेर तामीर एक इमारत की तीसरी मंजिल पर खून में लुतपुत पाई गई थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साजुन जी भोपाल ने मीडिया को बताया कि मुतफी और मुल्ज़मीन आपस में दोस्त थे। सालम चोरी की वारदात में मुलविस था और उसे शुबा था कि जुबेर पुलिस को मकबरी करके उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। जुबेर ने सोशल मीडिया पर सालम के बारे में काबिल एतराज रिमार्क्स भी किए थे। चुनाचे 12 जून की दरमियानी शब तीनों मुल्ज़मीन ने जुबेर पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बात तहकीकाती गिरफ्तारी अमल में लाई। पिछले सैटरडे को हुसैनीआलम पुलिस लिमिट्स में जो एक मर्डर हुआ, इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किए। ये जो मर गया वो कत्ल हुआ, उसका नाम है जुबेर सैयद जुबेर अली लियास कचरा जुबेर। ये फ्रूट्स बेच के जी रहा था और ये एक्यूज और ये डिसीज में पुरानी दोस्ती भी थी। ये वन सालम बिन अब्दुल्ला एक चोरी केस में अंबरपेट पुलिस में उनको गिरफ्तार किए। तब से उनको शक था कि ये जुबेरी पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, उस पर शक था। और आजकल ये इनके एरिया में जाके ये जुबेर इसके खिलाफ प्रोपगंडा कर रहा है कि ये सालम और मुजफ्फर तारिक ये सब चोर है। और सोशल मीडिया में भी उन पर पोस्ट, उनके अगेंस्ट पोस्ट लगा रहा है उसको कि सालम चोर है बोल के पोस्ट भी लगा रहे हैं। इस दुश्मनी के वजह से उस दिन रात फ्राइडे के नाइट को सैटरडे अर्ली आवर्स 4-5 बजे टाइम में ये सब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है हुसैनीआलम एरिया में, वहाँ बुलाए दावत के लिए और दारू और बिरयानी खाने के बाद उनको चाकू से अटैक करके उनको मार दिया गया। और एक दूसरी पोचम्मा बस्ती हुमायूं नगर की एक शादीशुदा खातून ने अपने शौहर मोहम्मद इब्राहिम पर हमले का इल्जाम आयद किया और कहा कि पुलिस ने उसकी शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सिराज फातिमा ने बताया कि उनका शौहर इब्राहिम और उसकी 2 बहनें शबाना और कौसर उन्हें हिरासत कर रहे थे और 3 दिन कबल उन्होंने उसके घर पहुंचकर हॉकी स्टिकों से हमला कर दिया। सिराज फातिमा पर हुए मजालिम की तफसीलात आइए उनकी जबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज फातिमा है, मैं फसलानसर की रहने वाली हूँ, फसलानसर पोचम्मा बस्ती। और मेरी शादी को 16 साल हुए, मेरे को 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी है, जो मेरे पर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ये एक महीने से तो बहुत ज़्यादा होगा, एक साल से तो परेशान कर रहे थे, टॉर्चरा कर रहे थे, लेकिन अब ये रमज़ान के जब से इतना टॉर्चर कर रहे, गांजा पी रही और शराब पी रही, मारम तोड़ी, घर को 2-2 दिन 4-4 दिन ऐसा नहीं आ रहे, फिर आके बोल रहे मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरी बच्ची के ऊपर मारम तोड़ी कर रहे हैं, सब करते कराते पिलाना जमा रहे हैं लोग। परसों तो 12 बजे में दिन के 12 बजे मेरे दोनों बच्चों को और मेरे को उनके बहनों को भेज के इस कदर मारे हैं, इतना मारे हैं मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। जुल्म की क्या वजह है आपकी नोयता सताने की? क्या वजह भी कुछ नहीं, मेहनत नहीं करते इन, मैं मेहनत करना, मेरे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठा लेना, सब करना, बस इन जाते और आते, 15 दिन चले आते, 8 दिन चले जाते, फिर पीते खाते गांजा मारते, आके मेरे को मारम पीटी, पैसा दे वो दे। अब तो ऐसा होगा, परसों तो ऐसा बहनों को ले लेके आके ऐसा मार मारे हैं मेरे को, 30,000 रुपये भी ले लिए, 1.5 तोला सोना भी ले लिए और बहनों से भी मारा खिलाए, खुद भी मारा मारे। वो बहनों का नाम है कौसर और शबाना, ये 2 बहना मिलके इस कदर मारे हैं हम तीनों को कि पूरा लॉकां डाल दिए, वो दरवाजे से भी लॉक ये ताकि हम बाहर नहीं जाना। फिर वो पीछे वाले पूरे गवाह हैं हमारे गली के
कि लोग ऐसा करें हमारे साथ। तो अब मैं क्या करूं, मैं इतनी मजबूर हूं, मैं इतना मेहनत करके करने के बाद भी मेरा आदमी मेरे साथ सही नहीं है। इन्होंने मेरे उससे शादी करे बाद इतने शादियां, इतने औरतें, इतना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बस मेरे को एक ही हुआ, पुलिस कंप्लेंट करे फिर। जी हाँ, पुलिस कंप्लेंट मैं कर दी। हफ्ते के दिन ये हमला हुआ। हमले के बाद हम लोग हुमायूं नगर पीएस में कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देके 3 दिन हो रहा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं लिए। कमिश्नर साहब और असद साहब से ये गुजारिश है मेरी कि जल्द से जल्द हमारे हक में कुछ हमले के बाद कंप्लेंट देने के बाद ये मोहम्मद इब्राहिम मेरे शौहर का फ़ोन आ रहा कि अगर तुम लोग कंप्लेंट वापस नहीं लिए तो जान से मार दे तो बोल के बोल रहे हैं मेरे को, मेरे बच्चों को। बस इतनी गुजारिश है असद साहब से, कमिश्नर साहब से जल्द कोई एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ। अगर इसके बाद कुछ हुआ हमारी जानों को तो इसके ज़िम्मेदार मेरे शौहर इब्राहिम और मेरे दोनों नंदा शबाना और कौसर रहेंगे। हमेशा घर पे नहीं आते, पर जब भी आए मम्मी को टॉर्चर करते हम लोग के सामने। अगर हमला बीच में गए तो हम लोगों को मारते, ड्रिंक विंक करके आके मारते। परसों तो हमारे पप्पू लोग सब जने मिलके हम लोगों को मार के गए, पैसे ले लिए मम्मी के, 30,000 गोल्ड रखा हुआ था घर में वो लेके चले गए। मम्मी कंप्लेंट करने के बाद जो है सो मम्मी को फ़ोन आ करके टॉर्चर कर रहे, तुम्हारे को तुम्हारे बच्चों को हमला मार देते बोल के। फ़ोन कर रहे हो? हमारे पप्पू शबाना पप्पू और कौसर पप्पू दोनों कर रहे, फ़ोन आ करके टॉर्चर कर रहे, मार देते तुम्हारे मम्मी को, तुम लोगों को केस वापस ले लो बोल के। शादी तो हो जाए, उनकी बच्ची की शादी है, इसलिए अभी उन लोग मैटर को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। उनकी बच्ची की शादी होगा बाद आके मारते बोल के बोल रहे। हम लोग को तेलंगाना पुलिस से गुजारिश है कि हम लोग को इंसान जान से मारने की धमकी। शबाना पप्पू, कौसर पप्पू, हमारे पप्पा और उनके भाया कोई बेटे कुछ है, उन लोग बोल रहे कॉल करके, न्यू नंबर है, उनसे कॉल कर रहे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो भी तो हम लोग तेलंगाना पुलिस से यही दरख्वास्त है कि हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे मम्मी को रोज़ आके मारते, हमारे पापा हम लोग के सामने मारते, हमला गए तो बीच में हम लोग को भी मारते। हम लोग उस दिन हमारे साथ कोई भी नहीं थे, इसलिए हम लोग को आके मार के चले गए। साफ होना, इंसाफ दो अपना प्लीज़। वेस्ट जोन की पुलिस ने सुल्तान उलूम कॉलेज बंजारा हिल में कोविड-19 टीके अंदाजी का एक बड़ा कैंप मुनक्किद किया, जिससे पुलिस मुलाजमीन के अलावा तुलबा और आवाम की बड़ी तादाद ने इस्तफादा किया। वज़ीर दाखला महमूद अली ने इस कैंप का अफ्तिताह किया, जबकि TRS का अरकान असम्बली डी नागेंद्र, एम गोपीनाथ, मैनेजिंग डायरेक्टर मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड PV कृष्णा रेड्डी, रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर रमेश और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार वगैरह भी मौजूद थे। वज़ीर दाखला ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस खिदमात की सिफारिश की और आवाम से अपील की कि वो कोविड-19 के टीकों से मुतालिक अफवाह पर कोई ध्यान ना दें। जॉइंट कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने खैर मकदम किया। और मीडिया के दोस्तों, यकीनन मैं अंजनी कुमार साहब जो कमिश्नर साहब है उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि कोरोना को कंट्रोल करने में अगर कोई काम करे तो पुलिस डिपार्टमेंट काम करे। यकीनन हमारे डॉक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट किए, कोरोना में जो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं उनका ट्रीटमेंट किया गया। मैं कोरोना को रोकने के लिए पुलिस ने जान तोड़ कोशिश की, अपनी फैमिली को भी नहीं दिखी। लॉकडाउन में कंट्रोल करना पुलिस के हाथ में रहा और सारी पुलिस में, हिंदुस्तान की पुलिस में, हमारी तेलंगाना की पुलिस, हैदराबाद की पुलिस बहुत अच्छा काम की है। मैं हमारे आनेपुर CM साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को बड़ी इंपॉर्टेंस दी, उन्हें पावर दिया। पावर बड़ी चीज़ है, सबका हुकूमतों में पुलिस डिपार्टमेंट पर अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था, मगर तेलंगाना बनने के बाद हमारे CM साहब ने इसे बहुत अच्छा कंट्रोल किया। आज इस पुलिस डिपार्टमेंट अपने जो पावर। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरावन ने सरकारी अराजियात हर्राज करने हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि हुकूमत के कर्जों की अदायगी के लिए सरकारी जमीनात का नीलाम किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शरावन ने कहा कि TRS हुकूमत में वज़रा अरकान असम्बली अमीर से अमीर बन गए हैं, जबकि सरकार खलाश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर वजीर के पास 100-100 एकड़ के फार्म हाउस हैं और ये दौलत उनके पास कहां से आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। शरावन ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आंध्र प्रदेश पर 60,000 करोड़ रुपये का खर्च था, जो अब 4 लाख करोड़ हो चुका है। इवाला
ఎమ్మెల్యే గతంలో పార్లమెంట్ సభ్యుడు సుమన్ కూడా కనబడతాడు పక్కన. ఇంతమంది కూర్చొని ధర్నా చేసినాం, సిగ్గుండాలా? ఏమైనా తెలంగాణ రాకమే ఉందేమో, భూములు అమ్మద్దు అని చెప్పని కొట్లాడు. వచ్చిన తర్వాత మీరే యూటర్న్ తీసుకొని భూములు అమ్మేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తే ఎంతవరకు సబబు అని చెప్పని ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ 2000 అసలు నీతి నిజాయితీ రాజకీయ విలువలు ఏమాత్రమైనా ఉంటే ఇవాళ భూములు అమ్ముతున్నారు కదా, 2012లో అమ్మొద్దు అన్నారు కదా, 2012లో మేము అమ్మొద్దు అన్నాం కానీ ఇవాళ మేము అమ్మాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది, మేము అమ్ముతున్నాం అనటానికి మీరు అమ్మ అమ్ముడు చేసే ముందు అమ్మే ముందు మేము ఆనాడు తప్పు చేసినాం అని చెప్పి రెండు చంపలు వేసుకొని ముక్కు నెలకు రాసి ఇప్పుడున్నటువంటి ఒక భూములు అమ్మండి. మీరు మేము తప్పు చేసినాం 2012లో అని చెప్పి చంపలు వేసుకోండి, ముక్కు నెలకు రాయండి. టుడే బిఫోర్ యూ గో టు సెల్ ద ల్యాండ్స్ చంపలు వేసుకొని ముక్కు నెలకు రాసి ప్రజలకు క్షమార్పణ చెప్పి మేము ఆ రోజు రాజకీయం చేసినాం తప్పు చేసినాం అని చెప్పని ఇవాళ భూములు అమ్మండి అని చెప్పని చెప్తా ఉన్నాం. నాడు భూములు అమ్మకానికి వచ్చినప్పుడు చేసిన ప్రసంగాలు కానీ చేసిన ప్రకటనలు కానీ గుర్తుందా అని చెప్పని ప్రభుత్వ పెద్దల్ని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. గురువింద సామెత గుర్తొస్తా ఉంది. గవర్నమెంట్ చీఫ్ విప్ డి వినయ్ భాస్కర్ और MLC श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बरतरफ शुदा वजीर सहित ईटाला राजेंद्र एक ऐसी जमात में शामिल हो गए हैं जिससे तेलंगाना का कुछ फायदा नहीं हुआ. मीडिया से बातचीत करते हुए विनय भास्कर ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने ईटाला राजेंद्र के फैसले को तेलंगाना के अवाम कबूल नहीं करेंगे. उन्होंने मजीद कहा कि ईटाला राजेंद्र वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर उनसे सवाल कर सके. ఈరోజు కేసీఆర్ వైపు కూడా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక దగాబడ్డటువంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీతోని దెబ్బతిన్నటువంటి రైతాంగం కానీ కార్మికులు కానీ కర్షకులు కానీ కేసీఆర్ వైపు చూస్తున్నారు. ఈరోజు కేసీఆర్ గారిని కూడా దేశ రాజకీయాల్లో రావాలని ఇతర రాష్ట్ర నాయకత్వం కూడా కోరుతున్నది. కానీ కేసీఆర్ గారు బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం ఒక కఠోర దీక్షతోని ఒక చిత్తశుద్ధితోని ఒక అంకిత భావంతోని తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ ప్రజల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులలో మరోసారి కూడా తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తారన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, రాజేందర్ గారిది ఆత్మగౌరవ పోరాటం కాదు, కేవలం అతని ఆస్తులు కాపాడుకున్న పోరాటం అని మరోసారి రుజువైంది అన్నటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. బీజేపీ వాడిపోయిన పువ్వు అది, దాని దేశంలో వాడిపోతుంది, ఇక్కడ అసలు దాని ఇదే లేదు, పునాదే లేదు, దేశంలో వాడి. రియాసతి వజీర్ ఎన్నికల మండలి టి శ్రీనివాస్ యాదవ్ నే అహ్మద్నగర్ డివిజన్ మే బల్కాపూర్ నాలే కా మైనా కియా జిస్కీ సఫాయి కా కామ్ జిఎస్ఎంసీ నే షురూ కియా హై. ఉన్కి హమ్రా నాంపల్లీ కే మజ్లిసీ రుక్న సంబలి జాఫర్ హుసేన్ మేరాజ్, అహ్మద్నగర్ కే నుమాయిందా కార్పొరేటర్ సర్ఫరాజ్ ఇంజీనియర్, సాబిక్ మావిన్ కార్పొరేటర్ మహమూద్ హుసేన్ और दूसरे भी थे. साबिक वजीर और कांग्रेस के रुकने संभली श्रीधर बाबू ने कहा कि वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत के लिए दौड़ में शामिल नहीं है. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला कांग्रेस हाईकमान के जेरे गौर है और कांग्रेस हाईकमान का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा. उन्होंने सरकारी अराजियात फरोख्त करने हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की और कहा कि यह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की शख्सी जागीर नहीं है. रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने सूर्यापेट में गलवान की पहाड़ियों में चीनी हमले में हलाक हो जाने वाले हिंदुस्तानी कर्नल संतोष बाबू के मुजस्मे की निकाब कुशाई अंजाम दी. संतोष बाबू की बेवा संतोष जी के अलावा वजीर बरखी जगदीश रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे. सूर्यापेट टाउन के कोर्ट क्रॉस रोड पर नसब 9 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्मे की केटी रामारो ने गुलपोशी भी की. TRS की रुकने खानों साथ काउंसिल के कविता ने जगत्याल में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी के सदनशीन चंद्रशेखर गौड़ की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की. उन्होंने कहा कि तालीम से ही समाज में सुधार आ सकता है और इसके लिए हम सबको जद्दोजहद करनी चाहिए. कविता ने कहा कि किताबों के मुताले की आदत के जरिए नौजवानों को बाशऊर बनाया जा सकता है और इसमें लाइब्रेरियों का अहम रोल होता है. वजीर समाजी भलाई कपूला ईश्वर, अरकान असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और रविशंकर भी इस मौके पर मौजूद थे.
हिंदुस्तान में कोविड-19 के टीके की वजह से 61 साला शख्स की मौत की तौसीख हुई है। हुकूमत की तरफ से तश्कील शुदा एक पैनल की रिपोर्ट में बताया गया कि इस शख्स ने 8 मार्च को टीका लगवाया था। डॉक्टर एन के अरोरा ने बताया कि कमेटी ने 5 फरवरी को ऐसे 5 केसों, 9 मार्च को 8 और 31 मार्च के 18 केसों का जायजा लिया था। मुल्क में कोविड-19 के केसों में बतदरीज कमी आती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 60,471 केसेस सामने आए। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 75 दिनों में ये सबसे ज्यादा कमी नोट की गई है। इसी मुद्दत के दौरान कोविड-19 से 2,726 अफराद की मौत हुई है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BIPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 040-2970-1124. An Institute of Success Schools.